अगली खबर आपको बता रहे हैं जो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में देर रात 95 नए कोरोना मरीज की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। राज्य में एक ही दिन में कोरोना के 350 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 3 मरीजों की मौत हुई है। एक ही दिन में 116 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7182 पर पहुंच गया है और अब तक कुल 4683 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना वायरस से लगभग 39 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड के दौरान छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई पर फोकस होगा और अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में कराई जाएगी पढ़ाई। सभी जिलों की प्रत्येक पंचायत से कम एक स्कूल में इस योजना को एक हफ्ते के भीतर प्रारंभ कर सकेंगे और लाउड स्पीकर से 56 पंचायतों में प्रारंभ हो चुकी है अब तक पढ़ाई। तो ये वो नए इंतजाम हैं जो कोरोना काल को देखते हुए किए गए हैं स्कूलों में। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में लगातार जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक ही दिन में आए नए मामलों का 350 का सामने आया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया पांडे फोन लाइन से जुड़ गई हैं। सुप्रिया, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि कोरोना के एक साथ इतने ज्यादा मरीज सामने आए हैं, इसको लेकर प्रशासन कैसे व्यवस्थाओं को देख रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ बच्चों के लिए उनकी क्लासेस किस तरीके से ली जाए और उनकी पढ़ाई कैसे हो, ऐसे भी इंतजाम किए गए हैं। सुप्रिया जी, बिल्कुल, राजधानी में लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जैसे ही लॉकडाउन हुआ इसके बाद भी जो मामले हैं उसमें लगातार जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में 200 से अधिक, जो पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो देर रात और जो है 98 नए मरीज सामने आएंगे। तो इसी तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो इंदौर स्टेडियम में कोविड अस्पताल जो है वो शुरू किया जा चुका है। इसी के साथ ही अब निजी अस्पतालों में भी जो है मरीज अपने कोरोना की जांच करा सकेंगे, उसका इलाज भी करा सकेंगे और इसका वहन जो है वो खुद ही मरीजों को करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी सुविधाएं जो है वो दी जा रही है मरीजों को, जो जिस मरीजों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं या फिर बिना लक्षण वाले जो मरीज है उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया जाएगा। तो इसी तरीके से व्यवस्थाएं जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है वो की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया।